हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नमक समक, और मैं हूँ पिया अरोड़ा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खस्ता मसालेदार काजू नमक पारे की रेसिपी। ये एकदम मार्केट जैसे बनते हैं और आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए बनाते हैं। काजू नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले मैं बाउल में ले रही हूँ 1 कटोरी मैदा की। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा मीठा सोडा और करीब 2 चम्मच ऑयल के। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी डालकर हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही साइड में रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम रोलर बोर्ड की हेल्प से इसकी एक चपाती बना लेंगे। चपाती को हमें ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है, इसको हम मीडियम रखेंगे। ये मैंने एक बॉटल की कैप ली है, इसकी हेल्प से हम काजू की शेप दे देंगे इनको। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। ये देखिए काजू हमारे बिल्कुल तैयार हैं। चलिए अब इनको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसमें हम एक एक करकर काजू को डाल देंगे फ्राई करने के लिए। फ्लेम को मैंने हाई फ्लेम पर रखा हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल मार्केट जैसे काजू नमक पारे बनकर तैयार हो जाएंगे हमारे। ये देखिए सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसी पैन में हम लेंगे 1 से 2 चम्मच ऑयल के। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। अब हम इसमें सारे काजू इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और ये देखिए हमारे मसालेदार काजू नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको कभी भी अपने टी टाइम पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइए और मज़े से खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू रेसिपी। टिल देन बाय बाय।